आप आते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। पिछले साल उत्तराखंड के पहाड़ों में एक कहानी अधूरी रह गई थी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ उसी कहानी को पूरा करने की। हेलो, मॉर्निंग। नहीं, हाँ बस अभी निकलने लगे थे। आज पिथौरागढ़ तक ड्राइव करने का प्लान है। आई थिंक 6-7 घंटे लग जाएंगे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ कितना देर का ड्राइव हो गया? 7 आवर्स तो लगते ही हैं। मतलब शाम हो जाएगी। मैं इस टाइम हूँ नीम करोरी बाबा उनके आश्रम पे। एक्चुअली हनुमान डिवोटी थे और स्पिरिचुअल गुरु थे बहुत सारे इंडियंस और अमेरिकन्स के लिए। यहाँ पे स्टीव जॉब्स आए थे एप्पल को लॉन्च करने से पहले। भक्ति योगा प्रैक्टिस किया करते थे जो बाबा थे, जो अपनी लाइफ के आखिरी कुछ पल थे वो यहाँ पे बिताए, इसलिए यहाँ पे इनका आश्रम है। ये अपने घर छोड़ के आ गए थे, ट्रेन बोर्ड करी थी इन्होंने अपने शहर से ना, तो उनके पास टिकट नहीं, उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो उसके बाद ट्रेन चालू ही नहीं हो रही थी। बाबा को बोला कि आप ट्रेन में बैठिए। जैसे ही वो ट्रेन में बैठे ट्रेन चालू हो गई और उन्होंने बोला कि मैं तब इसमें बैठकर जाऊंगा जब आप ये प्लेज लोगे कि आप साधु और बाबा को थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे। ये जो आश्रम है बेसिकली नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, नैनीताल अल्मोड़ा रोड पे। तो अल्मोड़ा पहुंचने वाली हूँ। जी जी, क्या रखे हो ये बताओ? ये बाल मिठाई है, टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप करिए। थोड़ा सा दीजिए। उत्तराखंड की मिठाई सिंगोड़ी और बाल मिठाई। कैची धाम की वो जो पॉपुलैरिटी है वो कब बढ़नी चालू हुई? ये तो पता है, पानी पकड़ो मेरे साथ। रिसेंटली अभी अनुष्का विराट आएगा 15 जून को, अगर आप आएंगे उस जगह पे तो नारा लगता है बाबूजी। हाँ, पर उनकी जयंती होती है। आ गए हैं हम न्याय के देवता गोलू देवता के टेंपल में। लोगों ने अब पर्चों पर और चिट्ठियाँ पूरी प्रॉपर उस पर लिख रखा है अपनी मन्नतें। पढ़ूंगी नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, यहाँ पे अपनी मन्नतें लगाएंगे। लोगों की अर्जियाँ और मन्नतें जो उन्होंने लिख कर लिटरली स्टैम्प पे ऊपर लोगों ने लिख कर यहाँ पे लगाई है। गोलू देवता रक्षा कर। और इतनी घंटियाँ किसने लगाई? घंटियाँ मन्नत पूरी होने के बाद लगती है। गोलू देवता लगाया करते थे गोलू दरबार, अपने घोड़े पे बैठ के निकलते थे गांव-गांव में न्याय करने। मैं इस टाइम जागेश्वर आ गई हूँ। जागेश्वर टेम्पल है, जागेश्वर वैली भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे करीबन 200 टेम्पल है एक ही साथ एक ही जगह पर। लिंग को पुराण पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम भगवान शंकर जी का भजन जागेश्वर धाम से हुआ था ऐसा बताया। तो 33 कोटि में से 33 प्रकार के जो हमारे उच्च कोटि के देव देवता हैं वो सारे देवी देवता जागेश्वर धाम में विद्यमान है। यहाँ पर लिंग रूप में पूजन किया जाता है जागेश्वर धाम में। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखिए भगवान गणेश जी की मुखाकृति बनी हुई है। देखिए तिमूर क्या होता है? हाँ अभी देखिए जमजमाट करेगा। जमजमाट बढ़िया। काला नमक है, जीरा है, धनिया है, क्या है? अमावस्या, अमावस्या बरसाती का व्रत। इस बार मौसम तो प्यारा है अनलाइक द लास्ट टाइम। बट आई रिमेम्बर फोन पे कुछ मैसेजेस आए थे ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड ऑल। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कुमाऊं डिवीजन का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इससे काफी पास पड़ता है एक दूसरा देश और वो देश है नेपाल। आज मैं नेपाल बॉर्डर के अलावा एक और देश के बॉर्डर की तरफ बढ़ूंगी जो इस यात्रा का सेकंड स्टेप होगा। चले, मेरा नाम दिनेश गुरु रानी है, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ कुमाऊं मंडल विकास निगम में।
सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा कुशल हो, बहुत बढ़िया ढंग से आपको भोले बाबा अपने दर्शन दें, और जब यात्रा पूरी करें आप, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कोरोना के बाद आपके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है, पहले पैदल मार्च हुआ करता था, अब आपके लिए आप गाड़ी में बैठे बैठे ओम के दर्शन कर लेंगे। आदि कैलाश जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने बिहार रचाने के लिए माँ पार्वती के पास गए थे, एक रात्रि का विश्राम उस आदि कैलाश की उस भूमि पर किया था। लेकिन वो यात्रा का मार्ग जो होता था वो हाइट गेन का होता था और आप एकोमोडाइज होते जाते थे। अभी आप 5,500 फीट में हैं, पहले यहाँ से गुंजी जाने में 7 दिन लगते थे। 2019 में यात्रा हुई थी, 2021 में यात्रा नहीं। जब भी बुलावा आएगा, अब जब धारचूला आप जाएंगे तो यहाँ से धारचूला 98 किलोमीटर, यानी कि 4.5 घंटे का रन गाड़ी से। पूरे रास्ते में नेपाल की पहाड़ियाँ देखते देखते अचानक से फ़ोन ने नेपाल का समय भी पकड़ लिया है। बहुत एविडेंट है कि मैं बॉर्डर के और करीब जा रही हूँ इस टाइम, ना कि सिर्फ एक बॉर्डर के बल्कि दो देशों के बॉर्डर के करीब हूँ। अभी मैं एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही हूँ जिसका नाम है जोलजीबी। यहाँ पर गोरी और काली नदी का संगम हो रहा है। काली नदी है तो इंडिया की ही, काला पानी से ओरिजिनेट होती है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और अगर इंडिया और नेपाल को मैं रखूँ दोनों साइड पे, उसके बीच में से काली नदी गुजरती है, और जो गोरी नदी है वो मुंशारी से आ रही है। नेपाल में कहाँ से? यही डिंची। डिंची, ये जो सामने दिखता है कौन सा गाँव है? जोलजीबी। ये भी जोलजीबी है? हाँ, नेपाल से। काली रिवर के इस तरफ इंडिया का धारचूला और काली रिवर के उस तरफ नेपाल का धारचूला, और यहाँ से वो वाली सीधा रोड जो इंडिया की साइड पे जाती है, वो रोड कैलाश मानसरोवर को जाती है लिपुलेक पास क्रॉस करके। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उससे बिल्कुल पास जाने वाली हूँ, आदि कैलाश। सो दिस इज़ अ कैफे वेयर वी हैव कम टू हैव लंच। मैं मिली कुछ ऐसे लोगों से जो नेपाल से आए हुए हैं। तो आप लोग आते रहते हो यहाँ पे? पहली बार आए हो? यहाँ से आगे कोई भी कमर्शियल व्हीकल कमिंग फ्रॉम पिथौरागढ़ और आउटसाइड इज़ नॉट अलाउड। किसी का प्राइवेट व्हीकल होता है तो वो धारचूला से आगे जा सकता है। हम लोग का कमर्शियल व्हीकल था तो हम लोग को गाड़ी चेंज करनी पड़ी, और ये जो धारचूला की गाड़ियाँ लोकल है गुंजी साइड की, उनको लिया है। अभी हमारी यात्रा 2 घंटे और ज़्यादा डिलेड हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ तोड़ रहे हैं रोड बनाने के लिए। तो वो जब हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी। ये तवा घाट है, ये लेफ्ट साइड मेरे दारमा वैली है, इधर से पंचाचुली ग्लेशियर के लिए जाते हैं, और जो ये रिवर आ रही है इसको हम धौली गंगा बोलते हैं, और ये राइट साइड ये व्यास वैली है, इधर से हम आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए जाएंगे, और जो अभी हम इधर को जा रहे हैं नारायण आश्रम जा रहे हैं, जो इधर से 1 आवर की जर्नी है व्यास वैली की ओर। इसी रास्ते से कभी यात्रा 18 दिन की हुआ करती थी, 18 दिन का ट्रैक जो बहुत ही मुश्किल था, रोड के आने से काफ़ी कम्फर्टेबल हो गई है। और इट हैज बिकम रियली कम्फर्टेबल। या 18 दिन के ट्रैक से तो कंपेयर करूँ तो मैं कुछ चंद शब्दों में बोलना चाहूँ तो भगवान को पाने के तरीके आसान हो गए। आश्रम में ये और अलका कहाँ गई? वो दोनों पहली बार यहाँ मिले थे और फिर लव हो गया। उसी खुशी में हम आज वापस आए, और आज हमको 15 साल पे आना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी कुड नॉट। अरे दिस ईयर वी मेड दिस प्रोग्राम। आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट दिस प्लेस, इफ इट्स द ग्रीनरी, इफ इट्स द वेदर, can't describe it, and I couldn't have imagined, soch bhi nahi sakti. Everybody's happy. I'm staying here. Wow.
What is this place? So beautiful, pretty. I'm not able to understand. कौन सी स्वामी जी ने? निर्मल स्वामी ने. जब मानसरोवर यात्रा पे गए थे 1950s में समय, तो उन्होंने देखा यहाँ के लोगों के पास एक कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो रह सके, विश्राम कर सके ऐसा. तो उन्होंने यहाँ पे कुटिया बनाई थी आश्रम, और उनकी याद में ये आश्रम बनाया गया. It took me a lot of time to reach at this place. Difficult patches भी थे बीच में. ये energy इतनी प्यारी है इस जगह की. I feel so refreshed. प्रसियापति रामचंद्र महाराज नारायण स्वामी की जय. वर्णम तथास्तम नवमं बालचंद्रं सारसारं सिंपल एंड स्वादिष्ट. तो ऐसे शून्य कुटी में शून्य होकर दिन की शुरुआत हुई यहाँ पे नारायण आश्रम में. बस अब यहाँ से नाश्ता करके हमको आगे गुंजी की तरफ निकलना है. आज कितने घंटे का जर्नी है? लैंडस्लाइड हुआ है कहाँ? फर्स्ट टाइम तो हो जाएगा इसी रूट पे. हाँ, जिस रूट पे जा रहे हैं गर्भाधार बोलते हैं जब. ये परमिट है कि हेल्थ मेडिकल है? परमिट. चलो पैक करो. था छोटा सा कमरा, तो यहाँ पे नारायण आश्रम में शेयरिंग डॉर्म्स है. केविन वो है उधर, उसके पापा भी दो. ये सारी गाड़ियाँ अभी लाइन से चेंज हो रही हैं, बिकॉज इससे आगे सिर्फ 4x4 की गाड़ी जाएगी. नारायण आश्रम यहाँ से ऊपर है, थोड़ा ऑफ रूट पे था. मैं गुंजी की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पर आई थिंक मे बी टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो आई विल बी एबल टू सी आदि कैलाश. नदी के वो बाजू सब नेपाल. तो आप जो कह रहे हो वो बारिश की सीजन में करते हैं? लैंडस्लाइड हो गया था वो टाइम में, बहुत लंबा स्लाइड था. इतना पैच है, देखो कितना बड़ा मीटर का है. ऊपर से रॉक, रेगुलर रॉक आ रहे थे, काम भी नहीं हो पा रहा. फिर खुल जाएगा कल 12 बजे. गिरना बंद है तो चालू हो जाएगा. लगातार नहीं गिरे, गिर जाएगा. लैंडस्लाइड ने थोड़ा प्लान खराब कर दिया है. नाउ वी एज अ बैच आर स्टक हियर आई थिंक फॉर अ डे और टू. ये हमारे साथ दूसरी बार हो रहा है. आगे नहीं जाओ. अगर हम गुंजी पहुंच जाते हैं ये वाला पैच क्रॉस करके, तो उसके बाद अगर सीधा आदि कैलाश जाते हैं 6 घंटे का सफ़र तय करके, तो हमारा एक दिन में ही हो जाएगा. बट इन जो जो बैच है यहाँ पे, अभी दो लेडीज़ ने चाय बनाई अंदर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक दूसरे को. ट्रैवल की रियल स्पिरिट जब ट्रैवल में प्रॉब्लम आती है ना, तभी दिखती है. वहाँ उस साइड पे जाना है, वहीं पे वो गंदा सा पैच है जहाँ पे रेनी सीजन में, समर सीजन में इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वहाँ पे रोड वाइडनिंग चल रही है. तो कल दोपहर तक खुलने की आशंका है और हम भी यहाँ से उसी समय निकलेंगे. आज इसी पांगला गांव में हम लोग का स्टे अरेंज हो गया है, और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि नेट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है. नेटवर्क एक्चुअली धारचूला से आगे बंद हो ही गया था और आगे पूरा गुंजी तक बंद ही रहेगा. खाना तो सॉर्टेड है ही, सारी गुजराती विमेन ने खाना प्रिपेयर कर दिया है. दाल खिचड़ी, सब्जी, जैन खिचड़ी एंड केपला. हमारे पास मैंगोज भी है. एक अपडेट है कि रास्ता खुल गया है. मैं सुबह देखकर आई थी रास्ता, तब तो ऐसा बोल रहे थे कि हो सकता है एक दिन और लगे. अब राहत मिला, भगवान की दुआ से निकल गए. बहुत बेकार, सबसे गंदा पैच क्रॉस हो गया. कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत आगे है बस. हो गया अब नहीं, इसके आगे मुझे लगता है कोई टेंशन. थोड़ा बहुत है टेंशन आगे. नहीं, मुझे लगता है यही टेंशन थी जिंदगी की. इस सीजन बारिश के नहीं है, और पता नहीं कैसे अभी इतना. ओ भाई साहब, नदी का क्रेजी हो रखा है एकदम. बेंड्स भी पार हो गए हैं. छेलेक नाम की एक जगह आ गई है, वहाँ पे ILPs आर गेटिंग चेक. वो ILPs बनते हैं इन धारचूला. हमारे अरेंज हो गए थे जो टूर ऑपरेटर से, मैं जिनके साथ ये ट्रिप बुक करी थी, उत्तराखंड टूर्स एंड ट्रैवल्स. सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड इजीली, अदरवाइज इट्स अ हेडेक. फाइनली इतने सारे बैरियर्स के बाद और इतने
वेट के बाद, इतनी होप बांधने के बाद, वी आर ऑल हियर इन नेपालचू विलेज, गुंजी के बिल्कुल साथ में यही है गांव, एंड यहां से हमारी यात्रा का आखिरी स्टेप शुरू होगा, खत्म होगा, जो भी है कल से। There's a little bit of a chaos because the time is around 5:15. सब तैयारी कर रहे हैं आदि कैलाश के आज फाइनली दर्शन करने की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गुंजी से एक दिन का आपका आदि कैलाश जाएगा, तो आप उस जगह पर, जिस जगह पर जाएंगे, जॉनीकॉम को 15,000 फीट के हैं, फिर आप 5,000 फीट ऊपर, अप एंड डाउन 68 किलोमीटर। पूरी व्यास वैली में कुछ 7 से 8 गांव पड़ते हैं, जिसमें गुंजी, नाभी, नेपालचू, कुटी, ये सारे गांव आते हैं और भी कुछ गांव आते हैं। इस टाइम मैं पास कर रही हूँ नाभी के विलेज से, लास्ट गांव कुटी पड़ेगा और उसी के बाद आदि कैलाश बहुत पास होगा। भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, भगवान संभाल ले। मैंने कह दिया ना, बुलावा उनका ही आता है। एक घंटे के सफर के बाद जॉलीकॉन्ग आ गया है और यहाँ से 2 अलग अलग कुंड के लिए आई एम गोइंग टू वॉक, लेकिन सबसे पहले यहाँ पहुँच के मई 2023 का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैंने शिव के 5 कैलाशों में से एक कैलाश आज, उसके आज दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में, व्यास वैली में, बॉर्डर के बहुत ही करीब, माउंट कैलाश का छोटा स्वरूप आदि कैलाश। पूरी दुनिया में अब तक शिव भगवान के 5 कैलाशों को देखा गया है। पहला आता है कैलाश मानसरोवर, जो अभी तिब्बत में है, आदि कैलाश जहां मैं अभी पहुंच चुकी हूं, श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और मणि महेश। बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूं इस टाइम कि मेरे थ्रू मैं आप सबको दर्शन करा पा रही हूं। फीलिंग समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, आई कैन फील माय गुरु हियर। हर एक को यहाँ एक बार आना ही चाहिए। मानसरोवर तो नहीं गया हूँ, अगर आदि कैलाश ऐसा है, कैलाश मानसरोवर कैसा होगा? आई एम ईगर टू गो। यू हैव टू बी हियर टू फील इट, यू हैव टू बी हियर। महादेव के दर्शन करके यहाँ पे मैं आराम से अब बैठ गई हूँ, थोड़ा सा नाश्ता लेके, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग लिख ली थी। यहाँ से ऊपर गौरी कुंड है और पार्वती कुंड है, जिसका हाइक एक एक या डेढ़ डेढ़ घंटे का है। ये है कुटी गांव, इस तरफ का लास्ट विलेज टुवर्ड्स इंडो तिब्बत बॉर्डर। इसके आगे कितना दूर है तिब्बत बॉर्डर? 70 है कुछ, 17 किलोमीटर। आप लोग के लोगों को क्या बोलते हैं? शौका बोलते हैं, रंग मतलब शौका को ही बोलते हैं। दर्शन हुए ब्रह्म पर्वत के, जिसको गणेश पर्वत भी बोला जाता है, पांडवों पर पर्वतों का नाम दिया गया है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है आज, कल के दर्शन के बाद ऐसा मौसम कौन नहीं देखना चाहेगा। मतलब कल तो हम बहुत लकी हो गए थे, लेकिन हर सुंदर चीज सुंदर नहीं होती। ऐसे मौसम का मतलब है कि जो आज दर्शन हमें करने थे ओम पर्वत के, बहुत 50-50% चांसेस है, बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी। उसके बाद आपका जो दूसरा रूट है वो है ओम पर्वत का। नाभी धाम जो है 4 से 4,500 फीट है, यानी 4,000 फीट वो भी है, 36 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर। ओम पर्वत तो मैं पहुंच गई हूं, लेकिन अभी तक ओम पर्वत तो नहीं दिखा। यहां पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये रोड जाती है लिपुलेक पास को। लिपुलेक पास से होकर यू कैन गो टुवर्ड्स कैलाश मानसरोवर, विच इज इन तिब्बत। वी कुड गो एक्चुअली, पहले जाया करते थे, यहीं से रास्ता था, अब नहीं जा सकते फिलहाल, एज ऑफ नाउ टुडे। ये वाला जो पूरा इलाका है, ये इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है। ईच वन ऑफ अस इज ईगरली वेटिंग टू हैव दर्शन ऑफ ओम पर्वत। ओम पर्वत के बाद मैं पहुंच गई हूं
काला पानी, काली माता का मंदिर है यहाँ पे, और मेरे पीछे है व्यास गुफा। वेद व्यास जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, रामायण जिन्होंने लिखी थी, वो यहाँ पर कहते हैं मेडिटेट करने आए थे। जो काली नदी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। काली माता वेद व्यास जी के स्वप्न में आई थी, उनके सपने में आई थी, जब वो सामने वाली गुफा में बैठ कर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वेद व्यास जी को बोला, मेरा एक मंदिर बनाइए यहाँ पर, यही मान्यता है इस मंदिर की। जो लोग कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखते हैं, वो अगर इस मंदिर से होकर जाए पहले यात्रा करने के लिए, वो बहुत अच्छा होता है उनकी यात्रा के लिए। उंजी से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है। अगर मैं ओम पर्वत की बात करूं, जो कि आगे पड़ता है, वहां से भी 10-12 किलोमीटर दूर है। 6 महीने में यहाँ निकलता है, 6 महीने बाद नेपाल निकलता है। नेपाल में कहाँ पे निकलता है? नेपाल भजन से आगे मिलता है। सितंबर अक्टूबर नवरात्रि में बंद हो जाएगा पानी, और नवरात्रि में वहाँ खुलेगा। जिस दिन खुलता है तो भूसी आता है, कितने पंडित लगे रहते हैं उसको दर्शन करने के लिए, नहीं होता है, अचानक निकलता है। ये है काली नदी का स्रोत। ऐसे पावन दर्शन के बाद ये यात्रा हुई खत्म, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपके लिए बिफोर आई साइन ऑफ। ये यात्रा जो अब बाय रोड हो गई है, ये इन्वॉल्व करती है आपके लिए कई सारे स्टेज, फ्रॉम काठगोदाम टू भीमताल टू पिथौरागढ़ टू धारचूला टू गुंजी नारायण आश्रम, और ये सब कई बार बीच में व्हीकल्स बदलने पड़ते हैं। सारी टेंशन खत्म करने के लिए आई चोज टू बुक माई यात्रा विद अ ट्रैवल ऑपरेटर, उत्तराखंड टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन है आपके लिए। ये सारी झंझट से दूर मैं अपनी यात्रा एकदम पूरे आनंद के साथ कर पाई। वैसे तो यात्रा का समय 6 से 7 दिन का है, लेकिन आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो के 8 से 9 से या फिर 10 दिन तक का टाइम लेके चलेगा, क्योंकि पहाड़ और मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। क्योंकि आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सारी जगहें इंडो टिबेटन बॉर्डर के बहुत ही नजदीक है, इसलिए इनर लाइन परमिट बनाना जरूरी है, जो कि बनता है धारचूला में। अगेन, इसका जो जिम्मा है मैंने अपने टूर ऑपरेटर को दे दिया था, उन्हीं के पास रहता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका मेडिकल और आपका परमिट बनवाते हैं। डाउन जैकेट, रेन कोट, आपकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, किसी डॉक्टर ने अगर आपको डायमॉक्स प्रेस्क्राइब करी है तो प्लीज वो भी हमेशा साथ में रखना। धारचूला से लेकर ऊपर पूरा व्यास वैली तक आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, नो जियो नो एयरटेल, लेकिन नेपाली सिम में नेटवर्क आता है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर आप एक सिम, नेपाली सिम खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं, और वो सिम आपको धारचूला में आसानी से मिल जाएगी। यात्रा का बेस्ट टाइम है फ्रॉम मे एंड टिल जून एंड, अगर कोई बारिश उस टाइम नहीं होती तो, क्योंकि बारिश का वैसे तो वो सीजन नहीं है, बट कुछ पता नहीं रहता। पोस्ट सितंबर, जब तक की स्नोफॉल नहीं हो जाती, ये भी एक अच्छा समय है यात्रा करने का। इस यात्रा के लिए अपना बजट आप 20,000 रुपए से लेके 50,000 इंडियन रुपीज तक का रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट यू बुक। ये एक वीडियो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, एंड आई होप कि आप ये यात्रा इस साल या अगले साल जब भी आपको समय मिले अपने हिसाब से जरूर करना। आपको बहुत बहुत अच्छा और एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी वहां जाकर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज इफी साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।